हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासे और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं वही पुराने तरीके की व्लॉग करूंगा जिसमें आपने एनालिसिस और प्रेडिक्शन करता था। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज लाया हूं और एक नए तरीके का व्लॉग मैं करूंगा आज। जिस तरह आपको पता कि कल लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का मैच खेला गया था और मैंने आपको बताया था कि वो मैं मैच में लाइव स्टेडियम में देखने जाऊंगा और मैं बिल्कुल उसी तरह वो मैच स्टेडियम में देखने गया और मैं देखा कि लाइव स्टेडियम में जाके मैंने मैच देखा और मैं एक ओवरव्यू मैंने बनाया, मतलब डिफरेंट क्लिप्स वगैरह मैंने बनाए हैं एक व्लॉग की फॉर्म में और आप लोगों को मैंने पूरी, मतलब एक व्लॉग ही है एक किस्म का, लेकिन उसमें मतलब आप कह दें कि मैं एक नए तरीके का व्लॉग आप कह दें तो उसमें मैं आज आप देखिएगा कि आपको किस तरह लगता है ये मेरा नया व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। लेकिन आपका एक एक सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगा मेरा, तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड एन्जॉय। हम अपने स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं और हम अब मैच देखने जा रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। ये हम स्टेडियम की पार्किंग में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी तक काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं, लोग काफ़ी रश है, तो अब मिट्टी भी काफ़ी है, तो अब देखते हैं हम अंदर जाके क्या सीन। अब हम इस वीडा बस में हैं जिसमें हम बैठ के स्टेडियम की तरफ जाएंगे। हम स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स वार्म अप कर रहे हैं मैच से पहले और उनके वार्म अप ड्रिल्स चल रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं यहाँ पे और क्राउड अभी तक इतना फुल नहीं है। और यहाँ पे अब थोड़ा आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वो सारे होस्ट वगैरह हैं, मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर्स आपको राइट साइड पर प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे होंगे और मैच शुरू होने वाला था। ये हो रहा है टॉस और टॉस जीता था लाहौर कलंदर्स ने, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और ये मैच स्टार्ट होने वाला था और प्लेयर्स जो थे वो बस अब अपनी पोजीशन लेने ही वाले हैं और क्राउड भी बिल्कुल चार्ज था। तो अब मैच आप देखिए कि किस तरफ जाता है मैच, इन्जॉय कीजिए, देखते हैं आपके क्या होता है आगे, मैच कौन जीतता। लाहौर कलंदर्स ने अपनी पहली बैटिंग करते हुए 167 रन का टारगेट दिया था मुल्तान सुल्तान को, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट था और एक इस मुश्किल विकेट पे काफ़ी टफ चेस था और जिस तरह ये इनिंग्स चली वो आप इस तरह की कुछ क्लिप, हर इनिंग की तरह, हर मैच की तरह इस मैच में भी कैच छूटने का रवाज बरकरार रहा और इस मैच में, इस इनिंग्स में और इस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा कैच छूटे। मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग्स स्टार्ट हो चुकी थी और शाहीन अफरीदी रिजवान को पहला ओवर करा रहे थे और काफ़ी ही अच्छा ओवर कराया शाहीन अफरीदी। शुरू में मुल्तान की काफ़ी ज़्यादा विकेट्स गिर चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये मैच लाहौर जीत जाएगा और क्योंकि मुल्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी रन्स करने में और लाहौर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और रन्स नहीं करने दे रहा था मुल्तान को और हमें भी यही लग रहा था कि एक वक्त पे कि लाहौर यह मैच जीत जाएगा और हम ये मैच हारेंगे और मायूस हमें लौटना पड़ेगा। लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि इफ्तिखार अहमद ऑल्सो नोन एज चाचा आए और फिर छा गए। फिर हुआ कुछ यूं कि जब मुल्तान को 23 स्कोर चाहिए थे दो ओवर में, 21 रन चाहिए थे सॉरी, तो इफ्तिखार अहमद आए और इफ्तिखार अहमद छा गए। इफ्तिखार अहमद ने जमान खान को एक ही ओवर में 21 रन पूरे कर दिए और मुल्तान को यह मैच जिता दिया और क्या कमाल इनिंग्स खेले थे इफ्तिखार अहमद ने। और ये जो विनिंग मोमेंट है ये मैं चाहता हूँ आप खुद देखिए क्राउड के शोर के साथ। जवान!
उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी हो चुकी थी, मैन ऑफ द मैच वगैरह मिल चुके थे, और आपको लगेगा कि मैच यहाँ पे और व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे लिए मैच के बाद भी बहुत कुछ था, तो चलिए देख ये आप देखें कि मैच के बाद जब मोहम्मद रिजवान वापस अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो हम उनके बिल्कुल ऊपर वाले इंक्लोजर में थे और हमने उनको वेव करने के लिए उनको आवाज़ें दी, तो उनका आप ये रिएक्शन देखिए। हालांकि बहुत रश था, लेकिन फिर भी देखें यहाँ पे उन्होंने हमें वेव किया और हमारा शुक्रिया अदा किया और साथ ही इफ्तिखार जा रहे थे। तो असल मज़ा जो था ना मैच के बाद, वो इस चीज़ का था। यहाँ पर मोहम्मद अली ऑल्सो नोन एज डेजी ने हमें वेव किया और मैंने बोला इट्स डेजी टाइम, जिस पर वो काफ़ी खुश हुए और वेव, और ये था हारिस रऊफ का वेव मेरी तरफ। और इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूँ, ये देखें वीआईपी सेक्शन में सो कॉल्ड वीआईपीज का हाल, जिस तरह इन्होंने खाना ज़ाया किया है। देखें प्लेटें किस तरह भर भर के छोड़ी हुई हैं, लालच में आके ज़ाया किया। तो मैंने ये सोचा कि आपको दिखाऊं, और आगे आप ये देखें कि किस तरह खाना ज़मीन पे पड़ा है, ये देखें। तो मतलब ये कोई हाल नहीं था, और बहुत ही बदतमीज़ी से लोगों ने खाना खाया। तो कुछ शर्म होनी चाहिए इन लोगों में भी, और कुछ एथिक्स होनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग इस मैच की, जो था लाहौर और मुल्तान का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा नया तरीका अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग, नई किस्म की व्लॉग जो है ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी। अभी रात का तकरीबन 1:30 बज चुका है, और अभी तक बस अभी मैं रैप अप करके बस अब सोऊंगा अपलोड करके। तो प्लीज़ एक एक आपका सब्सक्राइब करना बहुत मैटर करता है, 800 के करीब आ चुके हैं हम, और जल्द से जल्द इसको 1000 बनाने में मेरी मदद कीजिए। और अगर आपको पसंद आई है ये व्लॉग, तो इंशाल्लाह आज फिर मैं स्टेडियम जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो पर, तो इंशाल्लाह पेशावर वर्सेस मुल्तान का मैच भी मैं देखने जा रहा हूँ, उस पर भी मैं इसी तरह का व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह, और आपके साथ शेयर करूंगा। तो यस, दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर सब्सक्राइब कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।